निकंदरम रघुनंद आनंद कंद कौर चंद दशरथ नंदनम। राम राम सभी को स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और नए दिन की शुरुआत में। तो अभी मेरा पूजा पाठ हो गया, आज हम शैम्पू करने का तो मेरा प्लान नहीं था बट गए नहाने के लिए, तो फिर सोचे कि चलो शैम्पू ही कर लेते। फिलहाल अभी बच्चों का है 10:30। अरे बाबा ये पैर को दो चींटी बैठ के काट लिया तो जोर का लगा। तो बच्चों का है 10:30, चले अभी बैठ के हम लोग पेंटिंग करेंगे क्योंकि काफी सारा पेंटिंग करने का है। एक साड़ी में कलम हाथ लगाए थे, सोचे तो थोड़ा बहुत कर देंगे उसको, बट कल हुआ नहीं क्योंकि हमको थोड़ा सा लग गया कि वो साड़ी थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हम उनको भेजने के चक्कर में इतना वेट कर लिए कि वो बहुत टाइम हो गया, कलम को निकलना भी पड़ा। खैर अब जो कल नहीं हुआ उसके बारे में तो अभी नहीं सोचेंगे, फिलहाल अभी चलिए हम लोग स्टार्ट करते एक नई पेंटिंग के साथ। ऊपर से परेड लेकर इलाके वापस दी तब गमें तुम्हारा था गाने लड़की, हम बस ऐसे ब्रेड में बटर लगाएंगे, भूख लग रहा है बहुत। हम परवल का सब्जी बनाया हमने, पता है ठंडे दिन में इंसान कोबी से जितना इरिटेट नहीं होता उतना परवल से ज्यादा, पता नहीं पसंद ही नहीं आता यार परवल। देख तू आज की सब्जी में भी दादी परवल ही लेके आई है। गर्मी बहुत है, खूब सारा पानी पियो, तो चलिए हम अपना ब्रेकफास्ट निकालते इधर आ गए थे, सोचे पानी पी लेते फिर खाने के बाद बहुत देर के बाद पियेंगे। और ये है मेरा आज का नाश्ता, आम और साथ ही में ब्रेड और बटर। कल जो बॉर्डर में पेंटिंग कर रहे थे वो कुछ इस तरह का कर रहे थे और यही सेम चीज पूरे में फील हो जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आ गई हूँ दुकान पे, पता है क्यों? अपना कंटेंट निकालने के लिए और इसको कंपनी देने के लिए। इसको पीना तो लस्सी, हमको मैसेज करके बुला ली पड़ती, जल्दी और नीचे हम अकेले पी नहीं पाएंगे। बेचारी क्यों नहीं पी पाऊंगी तुम्हें, नहीं पी पाएंगे ये बकलून है ना तुलसी का। हाँ मेरा इतना बड़ा है, हाँ पता है उस दिन लस्सी खोले रात में, ठीक है बोले पिए गिरी गुड़िया, बोली नहीं पियेंगे, उसको फ्रीजर में डाल कर छोड़ दिया, आइसक्रीम बन गया। सुबह उसका आइसक्रीम काट करके सुबह में सत्य मिलके खाया। थैंक यू फॉर दिस लस्सी गुड़िया। थैंक्स टू पापा, सॉरी थैंक्स टू पिताश्री। एक्चुअली मैंने लस्सी पीने का बड़ा मन करता है लेकिन अकेले नहीं पिया, हमको उतना नहीं पसंद है, पी लेते हैं बस वो वाला लस्सी अच्छा लगता है, खुला वाला देता है थोड़ा पतला तो चला जाता कंठ के पार हो जाता। नहीं वही लस्सी ज्यादा अच्छा लगता है। बोले क्या ब्लॉक कब से आ रहे हैं? बोले कभी नहीं। तुम काहे के बेशरम वाला बात काम करती गुड़िया, डाल दो ना यार। उस दिन पता है Q&A में क्या बोली? हाँ हम डालेंगे, हो गया इसका Q&A रिकॉर्ड एडिट करेंगे ना, तो बोलो ब्लॉग एडिट करेंगे तब ना, हम फिर भी ब्लॉग आता है मेरा, ठीक है तुम्हारे जैसा नहीं भोका है। लेकिन हम आम खाए मेरे पेट भरा, तुम खाएगी तो जाओ, थोड़ा देर बाद जाना पापा लगाएंगे तब, क्योंकि उनको पेंटिंग करने का पकड़ो। एक्चुअली मैं इस वाले साड़ी में हमको कोई हल्का पेंटिंग करना था और अब इतना भारी पेंटिंग लेके बैठ गए, हम सोच रहे करे तो करे क्या। गुड़िया के पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अभी जलेबी बनाओ या तो तुम नीचे से बस आलू लाओ। बोलो क्या करोगे? कड़ी है खाली नहीं, मम्मी अभी अपने बोले जलेबी बना दो, वो बनाने पता है हम वड़ा पाव का बन लेके आए, सोचे वड़ा पाव बनाएंगे, तो सोचे आलू वालू सिझा देते हैं अभी बॉयल वगैरह करके मसाला रेडी करके रखेंगे, शाम में आएंगे और बनाएंगे, नहीं तो उनको शाम में आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। पानी का इतना तकलीफ है ना यहाँ, क्या ही बोले, एक जो है ना क्या बोलते हैं नगर निगम में कंप्लेन करना पड़ेगा। अभी देखते हो पानी आया, कल रात में भरा था टंकी, उसके बाद फिर अभी जाके पानी आया, अभी कितना बज रहा है 12 बज रहा है, उसमें पापा बीच में कितना बार मोटर चला चुके हैं, पानी देखते हो फ्रिज में डाल दिए, मम्मी भी खुश हम भी खुश। गुड़िया जितना बार रूम से निकलेगी उतना बार पंखा बत्ती चला कर छोड़ती है, इतना इसका गंदा आ जाता है, इसको तो हम डांटते हैं ना, हम हमेशा झगड़ा होता है इस बारे में। गाइस अभी हम दुकान पे गए थे ये कश्मीरी लाल लाने के लिए, पापा यहाँ बना रहे चिकन, जिससे पानी थोड़ा ज्यादा पड़ गया है तो हमको बोलेंगे तुम पानी सुखा, सारा कुछ पापा करके गए, लगा। इस बार हम पेंटिंग कर दिया ना, ऐसा पार्टीशन वाला चूज कर लिया ना, देख रहे हो तब से पार्टीशन में इसको बांटे जा रहे हैं, इधर अलग, बाकी यहाँ पर का जो पार्ट होता है ना ये हो गया कुछ ऐसा बर्थडे इसमें, एंड कैसा लग रहा है बताइए। बाकी दो बच्चों का दिखते हो बहुत कम पेंटिंग किए, सोचे थे कुछ तो इसमें और कर लेंगे, मतलब बीच में जो ये वाला पार्ट छोड़े ना, ये मिडिल में जो दिख रहा है इसमें ना राम भगवान और सीता माँ का जो वो होता है ना वरवधु वाला माला बनाने वाला, वो वाला पेंटिंग करेंगे, तो जब करेंगे ना तब दिखाएंगे आप लोगों को, फिलहाल तो किए नहीं बहुत कम किए। बाकी दो बज चुका है, खाने पीने का समय हो गया, जल्दी से चलिए खाते हैं, 3 बजे हम निकलेंगे, हम बुला लेंगे, खड़े तो तुमको मार भी सकते हैं। लगा दादी मेरा होम टूर कब रिकॉर्ड होगा बता दो हमको, उतना पे करेंगे, होम कभी साफ नहीं होगा दादी, चलिए खाने खाने। हम लोग नॉन वेज पार्टी से आपको वेज खिला रहे हैं, आगे बढ़ो। गुड इवनिंग गाइस, तो हम घर पे रुके, आज हम जाने वाले थे मतलब अपनी फ्रेंड लोग से मिलने वाले थे बट आज का प्लान सबका कैंसिल हो गया, तो सोचा कि चलो घर में आज रेस्ट मारते, तो बस आए थे बस वीडियो एडिट करने के लिए, वीडियो एडिट करते करते कब नहीं आया पता ही नहीं चला, अभी उठ गए 5 बज चुका है,
चलिए आज जो नाश्ता बनाने का वो बनाते हैं। एंड आज हम लोग बनाने वाले वड़ा पाव, तो उसका रेसिपी शेयर करेंगे। एंड कल का जलेबी का बैटर बचा हुआ रह गया, तो उसको भी मम्मी बोली थी सुबह बना नहीं पाए, तो चलिए उसको अभी बनाते हैं। वाह, हम जलेबी बनाने जा रहे थे, देखिए यहाँ गुड़िया जलेबी बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, बनाइयो शाही टुकड़ा, क्या चीज का बनाइयो? वाह, थैंक यू मेरे लिए अपना मदद करने के लिए। देखो चलो ट्राई करते हैं। सब बढ़िया लाइट आ रहा है यार इस टाइम पे, घर पे 5 बज रहा है। वाह, बहुत टेस्टी लगा। बिल्ली देख रही थी गुड़िया, कैसे मुझे तो चूहे का डर लगा, अब पता चला मेरे आंखों से लोग कैसे डरते हैं। गुड़िया बहुत टेस्टी लगा, और बनाना। बहुत टेस्टी लगा। उधर आलू बॉयल हुआ था, हम बैठ गए थे पेंटिंग करने के लिए, और इधर का लाइनिंग देखते हो बिना किसी मतलब जितना भी लाइनिंग है सारा अंदाज से किया हुआ है। देखो आज घर पे क्या आया है, खजूर, ये वाला खजूर आप लोग खाए हो? पेड़ का एकदम ताजा ताजा खाए हो? तो वड़ा पाव का लगभग तैयारी कर चुके हैं, इधर बैटर हमारा बन चुका है जिसमें पकौड़ी जाएगा, और इधर आलू का भी बॉल बना के रख दिए। चाय बन गया सबके लिए, तो ये कप मेरे लिए चाय, गुड़िया धनिया पत्ता लेके आती है, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी गाछ में पानी और सांस देके मम्मी गुड़िया लोग गई हुई है, हम आ गए छत पे मस्त। कितना प्यारा मौसम है देख रहे हो पीछे, कितना सुंदर लग रहा है कलर। ऐसे तो अक्सर ही रेसिपी हम शूट कर ही लेते हैं, लेकिन अगर बहुत रिसेंट में बनाए हुए हैं तो सोचे कि क्या ही शूट करना, वो है ही, उसका लिंक हम डाल देंगे वहां से आप लोग देख लेगा। नहीं तो लिंक क्या डालना, इसी वीडियो के मतलब ये जो क्लिप है ना, इस क्लिप के बाद लगा देंगे, वहां से देख लेगा, 1 मिनट का तो वीडियो। तो गाइस चलिए आज हम आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं वड़ा पाव का। वड़ा पाव बनाने के बाद हम वायरल होंगे कि नहीं ये आप लोग बताना। आलू को दे दिए बॉयल होने और चटनी तैयार की। धनिया पत्ता में ऐड कर दिए थे मिर्ची लहसुन और उजला नमक। बैटर बनाने के लिए बेसन लीजिए, उसमें ऐड कीजिए जमाइन मंगरेला, हल्दी, नमक, मिर्ची और साथ ही में पानी। अभी मिर्ची लहसुन और पकौड़े के बैटर को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अलग से जो हमारा मसाला बनेगा उसका बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था, इसमें थोड़ा सा मिर्ची ऐड करके पीस लिए थे। एंड इधर हमारा आलू भी बॉयल होकर तैयार हो गया। तड़के के लिए हम यूज किए खड़ा सरसों, करी पत्ता, उसमें ऐड किए आलू और बेसिक सा मसाला। बेसिक सा मसाला तो आप लोग जान गए, नहीं जाने तो एक बार कैप्शन चेक कर लीजिए। और यहाँ मैंने आलू को बेसन में डीप करके उसका पकौड़ी बना लेंगे। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया था लेकिन टेस्ट बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था, आप लोग भी एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको आज का ये रेसिपी कैसा लगा। तो गाइस बहुत हड़बड़ में बनाया हुआ वड़ा पाव, चलिए अभी बारी आता है इसको टेस्ट करने का। सारा वड़ा पाव देखते हो एक बार में बना रहे हैं, अभी सत्यम का बनाए भी नहीं, सत्यम ट्यूशन गया ना, ट्यूशन से जब आएगा तब बनाएंगे। पता धनिया पत्ता का, धनिया पत्ता लाने के लिए पापा गए तो धनिया पत्ता इतना कम मिला, मतलब अभी सीजन नहीं है ना, इतना कम मिला कि उसमें पता है चटनी बनाए ना जब हल्का सा उसमें वो क्या बोलते हैं सियाव मिला दिए, ये वाला भुजिया हल्का दिखाना चाहूंगा। बिना एक चैलेंज करने का सोचे अपने सब्सक्राइबर के साथ, मेरे घर से थोड़ा ही दूर पे है तो उन लोगों के साथ करेंगे, जब करेंगे ना तब आप लोगों को बताते हैं पूरे अच्छे से डिटेल्स में। फिलहाल अभी हम नहा धोवा के मस्त रेडी हो चुके हैं, आज घर पे आम आए तो चले पहले आम कट करते, उससे पहले हम ना पेंटिंग करने के लिए बैठे थे, अभी नीचे गए थे हम आटा लाने के लिए क्योंकि आटा खत्म हो गया था, तो जब लेके आए तो हमको मिल गया आम, सोच के पहले खा लेते उसके बाद फिर वापस से पेंटिंग को कंटिन्यू करेंगे। यही वाला आटा लेके आए, देखते हो ये ब्लैक ब्लैक हमेशा ही जमीन पे हो जाता है, इसको साफ करेंगे आज हम, बाकी ये सारा आम आया, चलिए एक आम खाते हैं। पेंटिंग करने बैठे थे देखते हो उसके बीच में फिगर बनाने का, लेकिन हम सोच रहे ना नीचे का पहले बॉर्डर कम्प्लीट कर देते हैं, उसका इधर साइड का साड़ी पूरा अच्छे से मोड़ के आराम से इधर में करेंगे, क्योंकि इधर वाला साइड का कंप्लीट ही हो चुका है, देखिए कुछ ऐसा पूरा ही कंप्लीट हो गया है। ब्रेकफास्ट करने में फिर भी 10:30 तो बज ही जाता है, इसलिए हम थोड़ा उसके पहले नाश्ता वास्ता कर लेते हैं हल्का फुल्का, और आम के मौसम में आम से अच्छा क्या ही हो सकता है। आसमान देख लो आज कितना प्यारा है, क्लाउडी क्लाउडी मौसम। बाकी ये वाला टॉवल को हम अपने टॉवल को कल धोए थे रात में, और गुड़िया इसको निकाल दिया, अभी थोड़ा सा भींग गया, सोचे कि चलो उसको धूप में दे देते, बताइए बस एक दिन बारिश हुआ उसके बाद खत्म, मौसम ही खत्म हो गया बारिश का, पता नहीं किस दिन होगा। सुंदर आसमान देख रहे हो। ब्रेकफास्ट में देखिए कितना टेस्टी टेस्टी सब्जी बना था, परवल और दाल का आज का ब्रेकफास्ट। इतने लंबे टाइम से टल रहा है, फाइनली हम अपना कुर्ती का सारा कपड़ा ले लिया, आज हम टेलर अंकल को दे के ही जाएंगे, अपना ये वाला बैग ले लिया क्योंकि आज हम इतना पता नहीं कभी कभी ना धूप में निकलने का मन नहीं करता, एकदम इतना बेसिक ड्रेस पहने हुए ना, ये तो घर पे पहने हुए थे, एंड साथ ही ये वाला जोगर्स हमको मिल गया अपना, ये वाला जोगर्स पहन लिए। कैसी हो गुड़िया? पता है मेरी वीडियो में वॉइस ओवर कर रही थी अभी, नहीं अच्छा लग रहा है, क्या चेंज कर लूँ, जींस पहन लेते हैं क्या, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा है यार, ये वाला स्टॉल रख लेते हैं। अभी का आउटफिट मच बेटर लग रहा है मेरा, जींस पहन लिया एंड साथ ही में मेरा ये वाला टॉप जो कि पहन के रखे थे ऑलरेडी। हम सोचे कि ऐसे बाहर निकलते हैं, फिर सोचे कि चलो अपना फैब्रिक रख लेते हैं, कुर्ती वगैरह सिलने के लिए हमको देना है, ये कब देंगे, अभी नहीं देंगे तो कब देंगे, टाइम बहुत कम बचा है। तो आज तो हम टिकट भी करवा रहे थे, पापा से पूछे भी कि टिकट कब का करवाते, तो पापा अभी बोले क्या कि रुक जाओ, मतलब डेट कंफर्म नहीं है बट अभी 2-3 दिन में टिकट भी करवा लेंगे। गुड़िया का टिकट तो कंफर्म हो चुका है,
क्या गुड़िया कैसी हो बता ही दो कैसी हो। घर में टॉवल का कमी हो गया है क्या जो कि टॉप का इस्तेमाल करती है। मम्मा दे मेरे को मोमोज खाऊंगी खा लेते होंगी तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी मोमो मिलता है वहाँ पे कचहरी चौक पे पक्का। आप लोग यहीं रहिएगा क्या। तो कुछ दिन पहले भी सेम इसी जगह पे ऐसे करके किया गया था वापस। हो रहा है बारिश में हल्का हल्का सा हो रहा है और साथ ही में हम खा रहे हैं आइसक्रीम या स्वीट पे देखे हल्का हल्का सा दिख रहा है ना बारिश। एक्चुअली हम आए थे वो व्हाइट वाला जो आइसक्रीम आया था ना वो खाने के लिए वो खाई नहीं सोचे कि चलो अब आ गए हैं उनको इतना मेहनत करवा लिए तो यही खा लेते हैं। देखिए हमको क्या मिल गया ये कोई पापड़ है यहाँ घर का बना हुआ है चावल का साबूदाना का है। अच्छा आए तो थे हम वैसे मोमो खाने के लिए साथ में चाय भी ऑर्डर लगा दियो और मिल गया ये पापड़ तो देखते चलो उसको भी ट्राई करते हैं। खाने पीने में तो ऐसे भी माहिर है हम। चटनी मोमो का ऐसे ही खाया था फिर दिमाग में आया क्यों ना पापड़ को इसके साथ खाएं क्यों पैसा पसंद चटनी तो वेस्ट हो जाता। ये क्लिप यही सोच के रिकॉर्ड किए थे ना कि यहाँ पे एक मस्त म्यूजिक लगाएंगे लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा यहाँ पे झगड़ा हो गया था किसी बात को लेके। खैर इसको हटाइए मौसम आज का बहुत अच्छा था। गाइस हम घर आ चुके सुबह आप लोगों को बोल रहे थे यहाँ पर का फर्श आज हम धोए एकदम चकाचक कर दिया अभी पता नहीं चल रहा यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक हो गया था वो पैर जो हमें लगता है ना किचन से निकल के पता है कितनी गंदी लड़की इसके गाल को देखिए उमा गाल के देखिए कौन दिया गाल में उमा कोई लड़की ही दी होगी कोई लड़की ऑब्वियसली लिपस्टिक लड़का तो लगाएगा ना। आज शाम के नाश्ते में देखिए ब्रेड को यहाँ पूरा टोस्ट कर दिया उसमें साथ में लगाने वाली है ये मलाई मेरे वाले में कुछ मत लगाना मैं से ले लेते तुम जाने वाली हो ना इसलिए तुमको सोचे सरप्राइज दे भरता मुड़ के साथ पापा से मंगवाया कितना जब से आई तब से मैंने खाई थी अखबार तब से बोलते पापा को बोले क्या वेलकम गुड़िया पापा बोले पापा जाकर भरता मुड़ी लेके आए तो बोले नहीं मिलेगा बोले नहीं मिलेगा झाल मुड़े लाएगा लेकिन मेरा भी बहुत मन कर रहा था। ऐसा ही भेदभूषा लग रहा है यार अभी पता है दुकान से काम कंप्लीट करने के बाद रूम में लगाए झाड़ू अभी बाल्टी लेके आएंगे तब लगाएंगे पोछा खाना पीना खाने के बाद एक तो अपना स्किन केयर करने लगा हम सोचे बर्तन धोने के लिए जाएंगे अभी जब तक सबको खा रहा था बर्तन निकल रहा था तब तक सोचे कि चलो थोड़ा सा फेस मास्क लगा ले सारे बर्तन को धो दिया है और चलिए सारे को समेट भी देते हैं उसके बाद फिर चलेंगे हम नहाओ नहाओ करने पता है और अभी कुछ दिनों से डेली सोचते हैं कि सवेरे उठने से नींद नहीं टूट रहा बीच में तो सही से टूटा था अब मानू क्या जाने से भी कितना दिन हो गया उधर मंदिर जाने से भी कितना दिन हो गया इतने अब कल उठ पाते हैं कि मम्मी को बोलते हैं एक्चुअली में सुबह सत्यम का जो है ना स्कूल अभी हो गया है डे और जिसकी वजह से मम्मी भी सवेरे सवेरे उठती है इसलिए उठा नहीं पाते हैं नहा धोवा के आ गए और अभी थोड़ा सा आइस मसाज ये तो मेरा आजकल डेली का रूटीन बन चुका है पता है कल का व्लॉग में हम सोचे कि आज के व्लॉग को ऐड कर देते ताकि एकदम अप टू डेट रहे अभी एकदम वीडियो एडिट करेंगे पता है फाइनली जाके हमको लगता है 6-7 महीने के बाद ऐसा हो रहा है कि मेरा वीएन पूरा खाली है अभी ये वाला जो व्लॉग है ना इसको अपलोड करने के बाद एक्सपोर्ट करने के बाद पहले वीएन डिलीट करेंगे इतना सारा इसमें मतलब वो रहता है ना मतलब फाइल्स वगैरह कि कभी डिलीट ही नहीं कर पाते इतना सारा प्रोजेक्ट वगैरह रहता है लेकिन आज फाइनली कितने दिन के बाद खाली हुआ है तो चलो सारे को रिमूव करेंगे। ये था मेरा आज और कल का दिन मिलते हैं इसी के साथ आप लोगों से अगले दिन जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बस मेरे ब्लॉग्स पे अपना प्यार बरसाते रहिएगा मिलते हैं फिर हम लोगों का जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। एंड हाँ आप लोग हमको बताइए ना कि हम भागलपुर पे एक छोटू सा मीटअप प्लान करें क्या हम सोच रहे हैं ऐसा भागलपुर एंड अभी कुछ दिनों के बाद हम फिर से पटना जा रहे हैं तो पटना में भी करने का सोच रहे हैं छोटू सा ज्यादा बड़ा नहीं क्योंकि आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा लोग आने वाले हैं तो छोटा सा ही रहेगा तो आप लोग हमको सजेस्ट कीजिए कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए और कौन कौन हमसे मिलने आइएगा ये भी। एंड एक चीज और सोच रहे हैं हम पता है क्या कल हम पेंटिंग जिस टाइम करेंगे ना पता नहीं ऐसे मेरे दिमाग में आए हम आप लोगों को जो बोल के रखे थे कि हम हमेशा यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे जो कि कभी आ नहीं पाए तो हम सोचे ना कल जिस टाइम हम पेंटिंग करेंगे ना सुबह में तो उस टाइम हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे तो आप लोगों को वैसे हम इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म कर देंगे ये बात मतलब जिस टाइम भी हम लाइव आएंगे ना तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे कर देंगे फिर हम लोग खूब सारा बात करेंगे लाइव आके ओके जैसे मेरे बर्थडे पे आप लोग आए थे ना बहुत सारे लोग उसी तरह फिर से आइएगा चलिए मिलते हैं ओके बाय ध्यान रखिएगा अपना।